ला 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 क्या होता है? ला 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 पेंडू है आपकी यूनिवर्सिटी में? नहीं खुल सकता, नहीं खुल सकता यार। वो मैं सैलेड कहती हूँ, मैं हम सैलेड कहते हैं इसको। गाइस हमारी सहरी बना के ले आई टीमी और अपनी छोटा सा चोर है मेरे बैग में, मेरे बैग में घुसने की कोशिश कर रहा है। लिपस्टिक भी लगाई इसको मैंने थोड़ी थोड़ी। ओए हाँ लिपस्टिक लगा दूँ? लाओ लिपस्टिक लगाओ यार। तुम किसका कह रही हो कि नॉन प्रिटी भी महंगा है? खुश हो आप? खुश हो गाइस? मेरी फ्रेंड का बेटा है प्यारा सा और पीछे वो सफाई। ला 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 क्या होता है? ला 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 क्या होता है? ओए ना गाइस लाइबा की एक और फ्रेंड भी आई हुई है प्यारी सी। हाय मुझे बता रही है कि ना मैं पीयू में पढ़ती हूँ, तो मैं पूछी थी कि पेंडू है आपकी यूनिवर्सिटी में? मतलब पीयू में ज्यादा ना लोग पेंडू ही है। बड़ी एग्जांपल है। नहीं इतनी अच्छी प्यारी फ्रेंड है तुम्हारी। अच्छा एक आज मैंने नई चीज सुनी है कि इनका नाम है फॉलिक। फॉलिक 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 नाम है। मैं सोच रही कि ये मतलब कौन सा नाम है, कि मेरे फादर ने रखा है किसी नॉवल में पढ़ के। अच्छा नाम बुक में अच्छा अच्छा लेकिन अगर गूगल तो आपकी यूनिवर्सिटी में जो पेंडू है उनको समझ आती है आपके नाम की? कैसी मामा मिल गई है हुसनैन को, कैसी मामा मिल गई है? गाइस मुझे काफी देर से कह रहा है खोलो खोलो, मेरे को पता नहीं शायद खाला कह रहा है, बाद में मुझे लाइवर ने बताया कह रहा है खोलो बैग खोलो खाला ये खोलो। नहीं खोलूंगी तो नहीं, पहले खाला बोलो। वो गुड़िया खाला आला आला नहीं खुल सकता, 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 नहीं खुल सकता यार। कोलो नाराज हो गए, ये लो खोल दिया, ये लो ये लो। कैसे होगी अफ्तारी और ये प्यार कुछ टेबल पे आ रहा है। बाकी ये कबाब है, वो दही ये सैलेड है, वो बिरयानी है और कहाँ है वो? मैं सैलेड कहती हूँ, मैं हम सैलेड कहते हैं इसको। और ये हमारा काका है, तंग कर रहा है अपनी मामा को। गाइस हमने कर लिया अफ्तारी और लाइबर इतना कुछ बना दिया, तो मुझसे अपनी प्लेट नहीं ख़त्म की जा रही। और खुद लिटरली लाइबर मुझे कहती थी कि मेरा बेटा बहुत तंग करता है, और मैं सोचती थी बेचारा बच्चा छोटा सा कितना तंग कर लेता होगा, लेकिन लिटरली आज आके देखा है वो बेचारी अंदर रूम में उसके साथ गई है उसको चेंज करवाने। और मैं और जो सेकेंड फ्रेंड आई हुई है लाइबा की, वो अफ्तारी कह रहे हैं बैठ के। और ये है कि अभी बस खाना खाना मैंने खा लिया, अभी मैं तो चाह रहा बस मैं लेट जाऊँ जाके किसी घर। मतलब इन डेज में मैं इतने लोगों को बुलाना चाह रही हूँ अपने घर अफ्तारी पे, लेकिन मेरी नींद ही नहीं, आँख ही नहीं खुलती, ऊपर से इतनी मैं थकी होती हूँ अफ्तारी के बाद सर में मेरी दर्द शुरू हो जाती है। मैं ट्राई करूँगी लास्ट डेज मेरे जो मेरे फ्रेंड्स रहेंगे अफ्तारी पे आने वाले उनको मैं बुलाऊँ। तो टेंशन पड़ गई है कि मेरी दोस्त ने आगे इनको कुछ खाना पड़ेगा, पहले वाला हजम नहीं और से और पिज्जा भी ऑर्डर कर दिए। क्या चाहती है ये बताओ? अफ्तारी का सामान ही नहीं आया, इतना सब दिखाया अफ्तारी में मैंने, और क्या होता है, यही होता है अफ्तारी। अब इसको है कि कुछ और ही, जितना टाइम टेबल है ना उतना भरा होना चाहिए। नहीं बनी बात नहीं, जबरदस्ती पिज्जा खिला रही है लाइबा। एक टेस्ट कर लो, एक पीस खा लो, पूरा खिला के भेजना, पूरा नहीं खा सकते हम। गाइस हम कह रहे हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे मैं सोच रही हूँ तब की पिक्चर्स होनी चाहिए थी, लेकिन तब इतने फोन ही नहीं थे पुराने जमाने के। क्या लगते हैं खाला? के मामू हैं और वो खाला है। हाँ वो खाला है, उसने से मिलने आए, खुश होता है उनको देख के।
गाइस में चाय चल रही बहुत मजे की चाय। अब लाइबा कह रही है कि तुम मेरे घर रात रुको, हम देखते हैं क्या करना हमने। ये लाइबा की कजन आई है मुझसे मिलने। कैसी हो? कल जाओगी? मैं भी कल जाऊंगी। ठीक है, मूवी देखेंगे रात को। कितनी कॉल्स की आपने ये बताएं? आप चेक करें अपने मोबाइल पे जरा, सुबह से रहा कॉलेज चेक करें अपने मोबाइल पे जरा। इतना प्यारी जी पाजी का कॉल उसकी बंद करो। इसको पता चल गया लाइबा के हस्बैंड जो है इस्लामाबाद में, वो कॉल्स कर रहे पीछे से कि मेरी बीवी से मेरी बात करा दो। गाइस अभी सीन ये हुआ कि मुझे लाइबा ने जान दे दी, वो ना चाहते हुए भी ना आज हमारा नाइट स्टे हो गया। इससे रात को मैंने बता दी, मौलिया को भी बता दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे कॉल करे और कहे कि बेटा घर और मैं वो नहीं पापा जी प्लीज मामा प्लीज आज रह लो, लेकिन कॉल ही नहीं कर रहे यार। यार कोई लिपस्टिक ही दे दो मुझे तो मुकद्दस, यार मेरे सारी अंदर ओए मेरे बेटा। अभी से देखा ना कि मेरी खालाएं और मेरी अम्मा लगा रही है, मैं भी लगा लूं। वाओ इतना अच्छा, हमने भी लगाया है गाइस। एक ये बच्ची है नीचे मुंह रख, ये ना लगाई, ये ना लगाई। पूरे सोशल मीडिया पे गंदी शक्ल में शो रहा है मेरी। अच्छा इसकी लोग टिकट दे रहे हैं। पश करो ज्यादा मेकअप। गाइस ये बच्चा, गाइस इस बच्चे से मिल गया ना मेरे बच्चे से यकीन उठ गया। इतना तंग करता है, इतना तंग करता है। इतनी हसीन दोस्त है मेरी, ये खौफनाक मुझे हर वक्त डिग्रेड करती है। मेरी क्यों उसको डिग्रेड कर रही है? मुझे पहले शक्ल अच्छी लगा देख लो, तुम शक्ल क्यों नहीं लाई ले गई? हालांकि जैसे गंदी मंदी शक्ल है चल ले आओ सब। मेरे पर्दा करती हूँ यार, पर्दा नहीं करती जाती फिल्टर के बगैर शक्ल ना जी जी। आपको भी ले आऊं व्लॉग में कैमरे से? वैसे यानी मेरी फिल्टर है अच्छा, इस तरह अच्छी लगती है। साथ आओ पास आओ अच्छा। गाइस हमारी सहरी बना के ले आई टीमी और अपनी भी नहीं कर रही है नहीं बस बाहर ही। तो अभी थोड़ा टाइम रह गया, मैं सहरी करके आपको दिखाती हूँ। मुँह ऐसे चुपाती है गाइस, मुँह देखिए कैसे चुपा रही, जैसे मैंने इनके लिए व्लॉग कर लिया था। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊँ कि मैंने रोज़ा रख लिया, हमने नमाज पढ़ लिया, पापा की कॉल आएगी जिससे पहले मैं जूता ले गया हूँ। और ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, फोन खाई जा रहा है, रोजा खत्म हो गया, अजान हो गई है। ये बहुत फनी है, ये बहुत ज्यादा फनी है जी, ये बहुत फनी है। अभी इसके बाबा की कॉल आई थी, ये दुपट्टा लेके बैठ गई थी, पर अभी भी कुछ शांत है, डरने की बात नहीं है। यार डरो कोई हंस भी आएगा तो भाई बात सुनिए, सोचो नहीं कुछ नहीं आ रही इनकी बातों पे। वो कह रहा मेरी आला इतनी प्यारी सुन नहीं, वो कह रहा प्रोग्राम ही बढ़ गया सोने लगे इससे पहले बल्कि नहीं सोने लगे। मैंने कहा मैं अब सुबह जैसे ही थोड़ा सा सूरज निकलता है ना सुबह होती है तो मैं आ जाऊंगी। 2000 years later मैं घर जा रही हूँ, बाय बाय, हैंडशेक कर लो। उसको लग रहा है मेरी अम्मा को भी लेके जा रही है। अब मैं जा रही हूँ घर, अफ्तारी से 3-4 घंटे पहले मैं सो गई थी, मुझे वैसे ऑर्डर आया था घर से कि सुबह सुबह आ जाना, लेकिन मेरी इतनी हाँ लेकिन मेरी आँख लग गई, मुझे बिल्कुल मतलब पता नहीं चला। मैं आ गई हूँ घर, बहुत खिदमत है कि मेरी कल टिमी ने लाइबा ने अभी भी कह रही थी सारी करके जाना, मैंने कहा नहीं अफ्तारी कहने बैठ गई ना, मेरे घर वाले आ जाएंगे इधर सारे। गाइस ऊपर से मेरे 2 पार्सल भी आ गए, एक ये और एक वो दूसरा भी निकाल दो। पार्सल्स की ना खुशी और ही होती, वो लगी नहीं हुई यहाँ से निकाल। गाइस ये मेरा केराटिन शैम्पू है जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था, इतना अच्छा है। एक तो इसकी प्राइस इतनी, अगर केराटिन आपने करवाया ना तो आपको सैलून से 5000 का शैम्पू लेना पड़ता है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत अच्छी है। और ये मैंने पहले भी यूज़ किया और अब भी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इसका चाहिए तो आप दरा से ऑर्डर करें, मैं इसका का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी। और गाइस कल जो उनकी इफ्तार पार्टी थी उसमें कायनात को ईदी भी आई है, उसमें ये बास्केट है इसमें पता नहीं क्या क्या था, इसने सब कुछ पहले ही निकाल दिया। कायनात क्या क्या था इसमें? ये चूड़ियाँ हैं और ये कोई फ्लावर हैं और ये इतना प्यारा कप है, सबसे अच्छा ये तो मैं किसने स्क्रंची है और ये मग किसने कप किसने दिया? कहाँ है? अंदर तो नहीं, अच्छा अंदर पड़े, ये खुलती कहाँ से है?
जबकि ये तो आप मेरा दिया अलिश वाला लाइबा ने कप मेरा आज से। हाँ थैंक यू कैनान खुलता खुल नहीं थैंक यू और मेरा है वो मारिया भी नहीं मेरा सब करें मेरा देखा और ये झुमके हैं तैबा तैबा भी आई थी और ये मेहंदी है ये वाली निकाल के नहीं दिखा सकती बस। अच्छा इसमें खाइए मामा को पूरी है तुझे भी पूरी ही होंगी मामा को बस ये अच्छा बस इसको मैं छुपा के रख लेती हूँ यहाँ पे सेफ। दूसरा ड्रेस जो मैंने ऑर्डर किया था वो आया अभी और बाकी ये वाला भी मैंने नहीं लिया जलबरी से आप लोगों ने पहले देखा हो। ओके गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें लाइक।